गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेज़ की वीडियो लाया हूँ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट डेज से कहीं ना कहीं एक दो सवाल एग्ज़ाम में आने की चांसेस बहुत रहते हैं। हाल ही में आपने नाबार्ड में देखा होगा कि इम्पॉर्टेंट डेज़ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उस दौरान आया था क्वेश्चन। तो इसको हमें नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो जल्दी से देख लेते हैं कि 2019 और 2020 के जो मेजर अभी तक इम्पॉर्टेंट डेज हैं वो हम देख लेते हैं थीम के साथ। तो गाइस, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो। तो लेट स्टार्ट। तो पहला है यहाँ पर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जो कि मनाया जाता है 7 जून, जिसका थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। ये इसका थीम है। तो थीम आपको बहुत ही अच्छे से आपको याद होना चाहिए बाय हार्ट, क्योंकि थीम से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड फूड डे। गाइस, ध्यान रखिए कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे अलग है और वर्ल्ड फूड डे अलग है। तो आप हड़बड़ी में गलत आंसर टिक करके मत आइए। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है 7 जून और वर्ल्ड फूड डे है 16 अक्टूबर, जिसका थीम है अवर एक्शंस आर अवर फ्यूचर। ये 2019 का थीम है, अवर एक्शंस आर अवर फ्यूचर। नेक्स्ट है आपका नेशनल मिल्क डे, जो कि मनाया जाता है 26 नवंबर। नेक्स्ट है आपका नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, जो कि मनाया जाता है 12 फरवरी, जिसका थीम है सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये 2019 का यहाँ पर थीम है। तो गाइस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे के साथ साथ नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक भी मनाया जाता है, जो कि है 12 से 18 फरवरी। ये हर साल मनाया जाता है 12 से 18 फरवरी, नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक। और नेशनल प्रोडक्टिविटी डे है आपका 12 फरवरी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो वेटलैंड डे जो मनाया जाता है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका थीम यहाँ पर मैंने दो लिखे हैं, 2019 का और 2020 का, जो अभी लेटेस्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन में एग्ज़ाम में आपको ध्यान रखना है कि किस लिए पूछा है, 2019 का पूछा है या 2020, उस हिसाब से आप आंसर लगाइए। तो यहाँ पर थीम है वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि 2019 का है, और वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, ये 2020 का है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्ल्ड पल्सेस डे, जो कि मनाया जाता है 10 फरवरी को। वर्ल्ड पल्सेस डे कि हमारी जो पल्सेस हैं खरीफ रबी में, उसको जो उसके लिए योगदान जो है वो वर्ल्ड पल्सेस डे के रूप में मनाया जाता है 10 फरवरी, जिसका थीम है प्लांट प्रोटीन्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ये 2020 का थीम है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेशनल डी वॉर्मिंग डे, जो कि 10 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका थीम है इम्प्रूव एंड प्रोटेक्ट चिल्ड्रन हेल्थ एंड देयर वेलबींग, जो कि 2019 का थीम है। नेक्स्ट हम देख लेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड डे। सॉइल हेल्थ कार्ड डे यहाँ पर 19 फेब को मनाया जाता है, सॉइल हेल्थ कार्ड डे। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड मिल्क डे। गाइस, मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे नेशनल मिल्क डे, जो कि इंडिया का है, और वर्ल्ड मिल्क डे, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड है, वो है 1 जून। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वर्ल्ड मिल्क डे। और मिल्क मैन हमारे इंडिया में किसे कहा गया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिल्क जो मैन है वो इंडिया में किसे कहा जाएगा, जो कि फादर ऑफ मिल्क भी आप कह सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर शेयर कर दीजिएगा। तो इसका थीम है ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे। ये है 2019 का थीम। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल वुमेन डे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को अभी अभी मनाया गया है। थीम है इसका आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट, जो कि 2020 का थीम है। 2019 का थीम है बैलेंस फॉर बेटर। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है,
इसका थीम है लीविंग नो वन बिहाइंड। ये 2019 का यहाँ पर थीम है और 2020 का थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्ल्ड हनी डे। वर्ल्ड हनी डे को हनी बी डे भी कहते हैं, वर्ल्ड हनी बी डे, जो कि है 20 अगस्त। थीम है इसका सेव द बीज, सेव द बीज 2019 का थीम। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड कोकोनट डे, जो कि 2 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका थीम है कोकोनट फॉर फैमिली वेलनेस, कोकोनट फॉर फैमिली वेलनेस। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड बैम्बू डे, जो कि 18 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका थीम है बैम्बू फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बैम्बू फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड कॉफ़ी डे। कॉफ़ी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका थीम है वुमेंस इन कॉफ़ी। यहाँ पर वुमेंस को काफ़ी ध्यान में रखकर थीम बनाया गया है, वुमेंस इन कॉफ़ी, वुमेंस का पार्टिसिपेशन हर जगह हो, ये हमारी उम्मीद है वर्ल्ड वुमेंस इन कॉफ़ी 2019। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड एग डे। वर्ल्ड एग डे जो कि सेकेंड फ्राइडे को हर साल मनाया जाता है, और यहाँ पर 12 अक्टूबर को 2019 को यहाँ पर ये वर्ल्ड एग डे था। 2020 में यहाँ पर 9 अक्टूबर को यहाँ पर मनाया जाएगा, क्योंकि जो सेकेंड फ्राइडे है वो 9th को पड़ रहा है, तो इसलिए 9 अक्टूबर वर्ल्ड एग डे 2020, ये यहाँ पर 2019 का है 12th अक्टूबर। थीम है इसका ईट योर एग टुडे एंड एवरी डे। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड फिश डे, जो कि 21 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड सॉइल डे, जो कि है 5 दिसंबर। थीम है इसका स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आ फ्यूचर, जो कि 2019 का थीम है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये बहुत अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5 जून यहाँ पे इसका डेट है और थीम है एयर पॉल्यूशन, 2019 का है एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड ट्यूना डे, जो कि है 2 मई को। तो गाइस, ये थे इम्पॉर्टेंट डेट्स जो कि एग्रीकल्चर एग्ज़ाम, चाहे आप नाबार्ड की तैयारी कर रहे हों, या फिर AFO, या फिर जो अभी DDA आया है, DDA SA SO, तो कहीं पे भी जो डेट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपका मेक एंड ब्रेक का काम कर सकते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट डेट आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से डेट में क्या क्या मनाया जाता है एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट से। तो गाइस, ये थी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे।